हुजूर की आदत शरीफा थी कि आप फजर की नमाज के बाद तशरीफ रखते थे थोड़ी देर, ये नहीं जो हमारा हाल है नमाज पढ़ी और गए बस बात ख़त्म हुई। लेकिन ये कि उसके बाद सहाबा से कुछ गुफ्तगू होती थी, किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करे उसके बारे में कुछ और गुफ्तगू। तो एक सहाबी से आपने पूछा कैफा अस्बहता, आज कैसी सुबह हुई तुम्हें, कैसी सुबह नसीब हुई। तो उनका जवाब जो है वो बड़ा गैर मामूली था, अस्बहतु मुमिनन हक्कन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुझे तो आज सच्चे मोमिन की सुबह नसीब हुई है। अब ये बात जो है गैर मामूली थी, तो हुजूर ने पूछा ले कुल्ली शैइन सिफतुन फमा सिफतु ईमानिक, हर शय की कोई ना कोई सिफत होती है जिससे आदमी उसको पहचानता है। तो ये जो तुम कह रहे हो कि मुझे सच्चे मोमिन की सुबह नसीब हुई है, तो इसकी क्या कैफियत है वो बयान करो। उन्होंने अर्ज किया कानी अंदरों लग जाता है मेरी कैफियत, ये कानी कानी वही लफ्ज है कानना का तरह हूं, कानी अंदरों लग जाता, मुझे तो महसूस होता मैं जन्नत को देख रहा हूं, वह कानी अंदरों लगदार और मुझे तो यकीन है कि ऐसे जैसे कि मैं देख रहा हूं जानने। तो ये कैफियत जो है ईमान की शिद्दत, ईमान का इस दर्जे में हो जाना जो है दर हकीकत ये एहसान इस्लाम, इसमें अल्लाह के लिए जिद्दोजहद, अल्लाह के लिए मेहनत, अल्लाह के लिए भाग दौड़, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, इस्तेहज़ारुल्लाह फिल क़ल्ब, अल्लाह के लिए इबादत, अल्लाह की ये तमाम जो कैफियत है इस सब के अंदर हुस्न पैदा हो जाए, निखार पैदा हो जाए, खूबसूरती पैदा हो जाए। और ये कैफियत अगर पैदा होगी तो किससे होगी, वो यकीन की गहराई से।